हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट बी एक्सरसाइज 1.6 जो कि क्लास 7 की बुक है हमारे पास सिंटैक्स बुक बोर्ड। ठीक है, इसके पार्ट बी में जो हमें क्वेश्चन पहले दिया गया वो है ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है आपको, वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट में यू माइनस ए होती है, तो पहले आपने यू के जितने भी एलिमेंट्स हैं पहले वो सेट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका वो आपने लिख देना है तमाम सेट के एलिमेंट्स। उसके बाद जब आप माइनस करेंगे तो मैंने यहाँ कैंसिल नहीं किया है, आप कैंसिल कर दीजिएगा। ये 8 आपका कैंसिल हुआ है, 10 कैंसिल हुआ है, 12 कैंसिल हुआ है, 14 कैंसिल हुआ है और 16 कैंसिल हुआ है। आप यू के ही एलिमेंट्स में से देखना है कि कौन कौन से बचा हुआ है। ठीक है, आपके पास बचा है 11, 13 और 15, तो वह हमने लिख दिया। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाए हम? वेन डायग्राम शो करने का तरीका ये है कि भाई रेक्टेंगल आप पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका। ठीक है, ए के एलिमेंट्स जो है वो ए सेट जो है वो आपने सर्कल बना के और एक एलिमेंट जो है उसके अंदर रख देना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि यू सेट जो है वो आपने बाहर ही रखना है, और यू सेट में से आपने माइनस करने के बाद क्या बचा था, वो हमारी एक कॉम्प्लीमेंट चल रही है, तो हमारे पास बचा क्या था, 11, 13 और 15 जो यू यानी कि यूनिवर्सल सेट है, उसके जो एलिमेंट्स बचा है ना वो आप बाहर लिखेंगे और जो ए के एलिमेंट्स है वो आप सर्कल बना के और ए सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट करके और ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो यहाँ पे रख दिए हैं इस सेट के अंदर, इस सर्कल के अंदर। उसके बाद जो बचे थे वो एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए और आपने क्योंकि आंसर जो है वो वेन डायग्राम में आपको कलर में शो करना होता है या फिर शेडिंग आपको करनी होती है। मैंने लाइन्स दे दी है, मैंने शेडिंग नहीं की है, तो मेरे पास आंसर जो है ना वो क्या है, 11, 13 और 15। तो ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और उसका आंसर क्या था, 11, 13 और 15। और 11, 13, 15 किसके, यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं, इसलिए हमने ये यूनिवर्सल सेट जो है वो उसके एलिमेंट्स जो है वो बाहर ही शो किए हैं। आप क्या किए, मैंने शेडिंग नहीं किए, मैंने लाइनिंग कर दी है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। तो मैंने ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल जो है वो इसको जो है वो लाइंस कर दिए सिवाय ए सेट के एलिमेंट्स के, क्योंकि ए सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे कैंसिल हो गए और ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स जो है उनको हमने शेडिंग कर देनी है या फिर ये मैंने लाइंस के थ्रू शो कर दिए ताकि पता चल जाए कि हमारा ये आंसर है। अच्छा, अब पता करनी है आपको बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यू सेट में से आप बी सेट को माइनस करें। यू के तमाम एलिमेंट्स पहले लिख दिए, बी के एलिमेंट्स बाद में लिखे, कैंसिलिंग की है तो यू में से ही कैंसिलिंग होनी है। ठीक है, आपका 8 कैंसिल हुआ है और 15 कैंसिल हुआ है, यू सेट की बात हो रही है। अब वो कैंसिल होने के बाद जो है वो आपके पास यू के कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, वो है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपके पास जो बचा है आंसर वो क्या है, 11, 12, 13, 14 और 16 और 10 भी है सॉरी। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 और 16 ये हमारे एलिमेंट्स बचे हैं यू में से कैंसिल करने के बाद, तो ये हमारा निकल कर आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको वेन डायग्राम में किस तरीके से शो करें, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, यूनिवर्सल सेट हमेशा बाहर ही होता है। ठीक है, एक सर्कल बना दिया जिसमें आपने बी के एलिमेंट्स को लिख देना है, वो बी के एलिमेंट्स क्या है आपके 8 और 15, इसकी हमने शेडिंग नहीं की। उसके बाद यूनिवर्सल सेट जो है उसके जो एलिमेंट्स कैंसिल हो गए उनको छोड़ के कौन से एलिमेंट्स बचे हैं हमारे पास, 10, 11 और 12, 13 और 14 और 16। तो हमने क्या किया, 10 को लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, 13 लिखा, 14, 16 और इसको हमने शेड कर दिया पूरे रेक्टेंगल को, क्योंकि हमारा यूनिवर्सल सेट जो था वो बाहर ही होता है, तो हमने जो आंसर है उसी को हमने शेडिंग में शो करना है। तो हमने क्या करना है कि जो यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको आप जो है वो शेडिंग में शो कर देंगे। ठीक है, मैंने किया लाइन में, लाइन से आपको जो है वो शेड शो करने के लिए कर दिया, तो आप जो है वो कोई भी कलर यूज करके शेडिंग शो कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में आपसे कहा गया है ए माइनस बी। ठीक है, ए सेट आपने लिख दिया, उसके एलिमेंट्स हैं 8, 10, 12, 14 और 16 और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 8 और 15। ठीक है, अब ए में से आपने बी को माइनस करना है, तो ए का सिर्फ एक ही एलिमेंट कैंसिल हुआ है जो क्या है 8, उसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचे हैं ए के वो क्या है, 10 है, 12 है, 14 है, वो 16 है, तो वो हमारा ए माइनस बी निकल के आ गया। वेन डायग्राम में आप उसको किस तरीके से शो करेंगे, आपने बना देना है रेक्टेंगल और दो सर्किल लेने हैं जो कि ए सर्किल ए सेट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा सर्किल जो है वो बी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपने क्या करना है कि दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, ये ओवरलैपिंग क्यों हुए हैं, क्योंकि ये जो है ना कॉमन निकल रहा है इसमें, तो जो कॉमन एलिमेंट था उसको हमने बीच में रख दिया है और उसके बाद ए के जो एलिमेंट्स बचे थे वो क्या क्या हैं, 10 है, 12 है, 14 और 16 है, तो वो हमने ए में डाल दिए और बी का कौन सा एलिमेंट बचा था कॉमन निकलने के बाद, 15 बचा था, तो वो लिख दिया। अब जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 10, 12, 14 और 16, तो हमें उसी को शेड करना है, उसी को लाइन्स करनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ ए के जो है ना जो पार्ट्स या आपको शेडिंग नजर आ रही है कलर्स सॉरी लाइन्स के थ्रू, तो ये है हमारा आंसर, हमने कॉमन को नहीं लिया है और जो बी का एलिमेंट है उसको भी नहीं लिया है, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसी को हमने शेडिंग में शो करना होता है।